आजसू पार्टी पतरातू प्रखंड कमेटी ने बुधवार को प्रेस बयान जारी कर कहा कि बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हार सुनिश्चित देख कर घबराई हुई है। विधायक और उनके लोगों के द्वारा किसी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर विभिन्न पंचायतों गांव में जनता को बुलाकर बैठक की जाती है। योजना की जानकारी लेने जनता स्वाभाविक रूप से बैठक में जाती है, इसका गलत फायदा उठाकर उस बैठक को कांग्रेस का बैठक बना दिया जाता है और जबरन अथवा भ्रम में रखकर ग्रामीणों को कांग्रेस का पट्टा पहना दिया जाता है। कुछ महीने पूर्व भी इसी तरह दबाव बनाकर सांकुल पंचायत की सम्मानित मुखिया एवं चिकोर पंचायत की सम्मानित पंसस को अपने आवास में योजना का लाभ पंचायत को देने के नाम पर बुलाकर उन्हें जबरन कांग्रेस का पट्टा विधायक ने पहनाया था। यही नहीं, पंसस ने विधायक पर 500 रुपये राशि खाने के नाम पर जमा करने का भी आरोप पंसस ने लगाया था। मुखिया एवं पंसस ने लिखित रूप से एवं अपना वीडियो जारी कर विधायक की निंदा की थी और कहा था कि विधायक ने जबरन कांग्रेस का पट्टा पहना दिया। ऐसा ही एक वाक्या हाल में विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा फिर से किया गया। आजसू पार्टी कार्यकर्ता बंसी मुंडा एवं बाबलू करमाली को विधायक के द्वारा कांग्रेस का पट्टा पहना दिया गया। यही नहीं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष एनुल खान को भी जबरन कांग्रेस का पट्टा पहना दिया गया, जिसका खंडन उक्त सभी सम्मानित लोगों ने बयान जारी कर किया। अंबा प्रसाद को आगामी विधानसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा है। विधायक सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी कर रही है। अपने पद और स्थान का प्रभाव दिखाकर सरकारी मीटिंग का हवाला देकर कांग्रेस की मीटिंग कराकर विधायक सस्ती लोकप्रियता बटोरने का असफल प्रयास करती रहती है। आजसू पार्टी विधायक के इस ओछी राजनीति की घोर निंदा करती है। कांग्रेस में शामिल होने की खबर का खंडन करने वालों में आज आजसू नेता बंसी मुंडा, आजसू नेता बबलू करमाली, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष एनुल खान, दिलीप मुंडा, शिव कुमार मुंडा, निर्मल कुमार इत्यादि लोग शामिल थे। इन सभी के बयान से विधायक की सस्ती लोकप्रियता वाली राजनीति उजागर हुई है। पतरातू से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। आप लोग का सफर दिलाएंगे, हमें किसान नहीं होता। पहले मेरा गांव जो समस्या है सबसे पहले वो देखिए, आप कब दे रहे हैं समय उसके बारे में बताइए। तो नहीं बताएं उसके बाद अचानक बोल रहे हैं क्या समय है मेरे पास 2 बजे, सोचा कीजिए ना, अपने आप लोग को तक रख के हम आ रहे हैं। तो क्योंकि हरबर में सब बोल रहे हैं कि कांग्रेस का दामन रखिएगा, आप खड़ा कीजिए, कितने आदमी खड़ा कर रहे हैं, तो कोई नहीं खड़ा किया, कोई नहीं खड़ा किया। उसके बाद फिर जबरदस्ती में फिर हाँ खड़ा करना पड़ा। उसके बाद बोल रहे हैं कि आप आगे आइए, पट्टा पहनाया, माला पहनाया, पट्टा पहनाया। उसके बाद नाम पूछे क्या नाम बताने कि मेरा नाम है सरस्वती। यार लोग आए हैं तो कोई पूछते गए, माला पहनाते गए, पट्टा पहनाते गए, नाम पूछते गए, लिखते गए। उसके बाद हो गया। उसके बाद हमला बोल रहा है कि बंसू भाई आइए ना, आप भी आइए ना, इधर आइए ना, इधर आइए ना। हम कहा चलिए ना, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आप आइए आइए। तो मुझे ऐसे माला उठाने लगे, पट्टा था, बोले कि देखिए माला पहना सकते हैं, पट्टा मत पहना।